हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम फिर से आए हुए हैं कैलाशा इनक्लेव पे कुछ नए अपडेट्स के साथ और कुछ नए वीडियोस के साथ और कुछ नए डेवलपमेंट्स के साथ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेन गेट का काम स्टार्ट हो चुका है और ये आपका सुल्तानपुर रोड पे सिचुएटेड है। और लोकेशन की अगर हम बात करें तो लोकेशन ये सुल्तानपुर रोड की बहुत ही बेहतरीन लोकेशन पे ये मौजूद है प्रोजेक्ट, जो कि आपका 5 किलोमीटर के रेडियस में आपका इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, आपका लुलु मॉल, फिनिक्स प्लासियो, कैंसर इंस्टीट्यूट, मतलब अच्छे से अच्छे स्कूल्स, कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत ही तेजी से स्टार्ट हो रखा है। और जैसा कि बिल्डर्स की कमिटमेंट है कि इस प्रोजेक्ट को लगभग अगले साल एंड तक इसको फुल्ली पोजीशन में हम दे देंगे प्रोजेक्ट को। और सारी चीज़ें यहाँ पे फर्स्ट डे से ही सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और ये जितने भी ये प्रोजेक्ट की जो एरिया है वो मैं आपको डिस्कस कर दूँ, ये टोटल आपकी 24 एकड़ की प्रोजेक्ट है जो कि LDA एंड रेरा से अप्रूव्ड है। पूरी प्रोजेक्ट जो है बाउंड्री से कवर्ड है। सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी रोड वगैरह जो भी फैसिलिटीज़ है, प्रीमियम टाउनशिप में जो भी यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ मिलती है वो फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। जैसा ये देख पा रहे हैं ये प्रॉपर मेन गेट के लिए यहाँ पे वर्क का काम चल रहा है। देन इसके बाद यहाँ पे हमारा सीवर लाइन का भी काम स्टार्ट हो चुका है। इसमें जो भी सीवर लाइन की पाइपें हम यूज़ कर रहे हैं वो भी हम एक अच्छी क्वालिटी की यूज़ कर रहे हैं। जहाँ तक आपको नॉलेज में होगा कि सीवर लाइन की पाइपें जो होती है वो सीमेंट की यूज़ की जाती है। स्टार्टिंग में हम लोगों ने भी स्टार्ट में यही सोचा था कि सीवर लाइन की पाइपें जो है सीमेंट की डालेंगे, बट सीमेंट पाइप की जो लाइफ होती है वो 20 ईयर की होती है। और ये जो पीछे आप देख पा रहे हैं ब्लैक कलर की पाइपें हैं, इसकी लाइफ जो है लगभग मान के चलिए इससे 4 गुना ज़्यादा होता है। प्लस इसमें पाइप में काई वगैरह कुछ भी नहीं लगते हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी बेटर इसमें चीज़ें जो हैं इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। और एमिनिटीज़ की अगर हम बात करें तो रोड की जो चौड़ाई हमारी 18 मीटर की हम एंट्रेंस रोड दे रहे हैं। डबल डिवाइडर, ये जो पेड़ आप लगे हुए देख रहे हैं ये डिवाइडर के बीच में रहेंगे, दोनों साइड आपको जो है रोड मिलेगी। और जो अंदर जाने के बाद इसके बाद जो है हमारी 12 मीटर की रोड हो जाती है। देन जो प्लॉट्स हैं, जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, उनके सामने की रोड 9 मीटर और 7.5 मीटर। 7.5 मीटर जो भी होंगे वो पार्क फेसिंग वाले प्लॉट्स होंगे, उनके सामने जो है 7.5 मीटर की रोड आपको प्रोवाइड होंगी। जैसा आप देख पा रहे हैं ये पूरी जो भी हमारी एरिया है वो पूरी की पूरी आपकी बाउंड्री वॉल से कवर्ड है। बट ये बाउंड्री वॉल अभी हमारा रिप्लेस हो जाएगा। LDA के नॉर्म्स में जो भी बाउंड्री वॉल आते हैं वो लगभग 6 फीट के होने चाहिए, प्लस 6 फीट के बाद हम फेंसिंग करके दे रहे हैं उस पर, ताकि और भी ये प्रोजेक्ट जो है सिक्योर रहे। तो इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कि ये LDA से अप्रूव्ड है। LDA से लगभग 1 से 1.5 महीने पहले हमारा अप्रूवल आया हुआ था और उसके बाद देन रेरा से अप्रूव्ड हुआ है। तो रेरा नंबर भी आपको मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। रेरा नंबर, रेरा की वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें कि एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट हमारा, हम जो बता रहे हैं आपको कि रेरा से अप्रूव्ड है, एक्चुअल में रेरा से अप्रूव्ड है या नहीं। जो रेरा नंबर है UP PRJ 41811, ये हमारा रेरा नंबर है। और LDA के वेबसाइट पे जाके हमारे LDA लाइसेंस नंबर से भी आप हमारे प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी पूरी की पूरी जो भी लैंड है ये बिल्डर्स के नाम पे है और इसमें कोई भी किसान का इंटरफेरेंस नहीं है। सारी चीज़ें फर्स्ट डे से यहाँ पे आपको, अगर आप चाहते हैं कि तुरंत रजिस्ट्री कराना चाह रहे हो तो तुरंत रजिस्ट्री भी आप करा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे CLP मोड में आपका प्लान है। CLP मोड में जैसे जैसे हम काम स्टार्ट करते जाएंगे वैसे वैसे हम आपसे पेमेंट की डिमांड करेंगे। यहाँ पे जो एमिनिटीज की हम बात कर रहे थे, एमिनिटीज में हम जो है सीवर ट्रीटमेंट प्लांट दे रहे हैं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग दे रहे हैं, जो कि आज के टाइम में लखनऊ में सबसे ज्यादा जरूरी होते जा रहा है, क्योंकि रेन वाटर का निकासी कहीं ना कहीं से ब्लॉक होते जा रहा है दिन पे दिन। तो वो सब सारी चीजें यहाँ पे आपको कम्प्लीटली बना रहेगा। प्लस इसके साथ साथ वाटर हेड टैंक बना के दे रहे हैं, सीवर लाइन के कनेक्शन दे रहे हैं और वाटर सप्लाई के कनेक्शन दे रहे हैं, और जो भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यहाँ होंगी
वो आपकी अंडरग्राउंड होंगी। साथ ही साथ इसमें क्लब हाउस भी हम दे रहे हैं, ग्रुप हाउसिंग का भी एरिया रहेगा, सारी चीजें। और भी इसमें बहुत सारी एमिनिटीज है जो कि इस टाउनशिप को एक अच्छा प्रीमियम लुक देगा। स्टार्टिंग में मेन एंट्रेंस पे आपकी गार्ड रूम रहेंगे और उसके राइट साइड में आपका जो है कमर्शियल स्पेस रहेगा। कमर्शियल स्पेस में आपके सारे बार्बर और बैंकेट, कमर्शियल स्पेस के ऊपर ही हम अपना बैंकेट हॉल भी बना रहे हैं, सारी चीजें। और डेली यूज की जो भी नीड की जो भी चीजें यहाँ पे जो भी आपको अवेलेबल होना चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल कराया जाएगा। और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा चल रहा है अब, क्योंकि कुछ दिनों से पानी की बारिश की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्बेंस चल रहा था, बट वो सब सारी चीजें अब फुल फोर्स में हमारा काम जो है स्टार्ट हो चुका है। जैसा हमने पुराने वीडियोस में जो भी चीजें डिस्कस की थी तो उसमें हमारा जो भी प्रोजेक्ट था वो पूरा एकदम रॉ मटेरियल पे था, मतलब हमारे प्रोजेक्ट पे कोई भी वर्क नहीं हो रखा था। अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट में प्लॉट साइजों की, तो प्लॉट साइज जो हमारे पास है मिनिमम 1200 स्क्वायर फीट है, देन इसके बाद आपको 1500 स्क्वायर फीट के मिल जाएंगे, 1800 स्क्वायर फीट के मिल जाएंगे, एंड देन 4000 प्लस के स्क्वायर फीट के मिल जाएंगे। जो प्राइस वगैरह है यहाँ पे सर, प्राइस हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, क्योंकि अगर हम प्राइस आज हम वीडियो बना रहे हैं और आज के हिसाब से हम प्राइस की बात करें तो आज जो है 3500 रुपये स्क्वायर फीट है, बट आप अगर पुराना वीडियो देख रहे हैं हमारा, ये आज का मतलब आज हमने बनाया और दो महीने बाद देख रहे हैं, तो हो सकता है प्राइस में कुछ चेंजेस आए, तो प्राइस ऑन कॉल पे भी आप पूछ सकते हैं कि प्रेजेंट में प्राइस क्या चल रहा है सारी चीजें, और कहीं ना कहीं हम इसका प्राइस का भी हम एक्सटेंड करेंगे प्राइस को। तो जो भी चीजें हैं प्राइस से रिलेटेड चीजें हैं वो आप ऑन कॉल पे भी सारी चीजें देख सकते हैं। और रही बात इस प्रोजेक्ट का हैंडओवर टाइम, जो रेरा ने हमें दे रखा है वो 2025 तक का है, बट अकॉर्डिंग टू बिल्डर की जो भी वर्क हम कंप्लीट कर देंगे, आप अगर घर बनाना चाह रहे हैं सारी चीजें हैं तो 8 से 10 महीने एक साल के अंदर आप यहाँ पे घर बनाना शुरू कर सकते हैं। सारे नेशनलाइज बैंकों से यहाँ पे लोन है, SBI में हमारा लोन का प्रोसेस अभी चल रहा है, IDBI एंड इंडियन बैंक से हमारा अप्रूवल आ चुका है, और भी हमारे कुछ नेशनलाइज बैंक है जैसे PNB है, यूनियन बैंक है, पंजाब एंड सिंध है, मतलब जितने भी लगभग हमारे नेशनलाइज बैंक है उन सबसे हमारा लोन का प्रोसेस चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा इस वीडियो को हम लंबी नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी आपको पेपर से रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप हमारे ऑन कॉल पे या हमें व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा के उस पर आप ले सकते हैं। बाकी ये वीडियो कैसा लगा है वो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो भी कमी हो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो मैंने डिटेल को कवर नहीं कर पाया है उन डिटेल को आप हमसे पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए कि आपको क्या नहीं समझ में आया, तो मैं आपको कमेंट में वहाँ पर सारी चीज़ें बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट अपडेट के साथ कैलाश एनक्लेव की। तो कुछ फिर बाकी जो भी डिस्कशन रहेगा वो हम आपको ऑन कॉल पे हम समझा सकते हैं। तो थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, आपके एक सब्सक्रिप्शन से जो है हमारा मोटिवेशन लेवल हाई होता है और आपको ऐसे ही कुछ नए नए अपडेट्स लाके देते रहेंगे सारी चीज़ें, जो भी यहाँ पे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो LDA रेरा से अप्रूव्ड है, LIDA से अप्रूव्ड प्रोजेक्टों का हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि हम आपके साथ ऐसे जुड़े रहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, एंड थैंक यू वेरी मच।